वाचम्यह प्राणायाम्यह ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः अपवित्रा पवित्रो वासरवास्तां गतो विवाह यस्मरी पुनरीकाक्षं सभायाभिन्तरस्वजी पुनरीकाक्षपुनातु पुनरीकाक्षपुनातु हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा गणपतिं ध्यायेत ओम गणानन्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वसु मम आहमजानिरपधमा त्वमजाचिरपधमा अम्बै अम्बिकें बालिकै नमानयति कश्चन सत्यसुखः सुभद्रिकाङ्काम्भी लवासनी मा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः सर्वोपचाराते गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारीषु सर्वदा गणपते नमः नमस्कारान् समर्पयामि ग्रन्थाधिष्ठा श्रीकृष्णध्यानम् ॐ पावकानः सरस्वती बाजैर्बाजिनीवती नित्यं वष्टुधिया वसु श्रीमद्भागवतग्रन्थाधिष्ठा श्रीकृष्णाय नमः ध्यायै ध्यायामि ध्यानाति आसनाति तुलसीपत्रम् समर्पयामि विलेपनार्थै गन्धं त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखरी सौमो राजा विद्वानिक्षमादमुच्यतः श्रीमद्भागवतग्रन्थाधिष्ठा श्रीकृष्णाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि विलेपनार्थै गन्धं समर्पयामि अलङ्करणार्थै अक्षरान् समर्पयामि पूजार्थे पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां पुष्पं पुष्पमालान् समर्पयामि सेवन्तिका वक्रजं पकपाटलाब्जी पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पैः विल्वा प्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः पां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदः श्रीमुखाङ्गन्थाधिष्ठादेवताभिरपुष्पमालान् समर्पयामि नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने भरताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमद्भागवतार्ष्टादेवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि श्रीमद्व्यासपूजिनां नमोस्तवन्ताय सहस्तमूर्तये सहस्तपादाश्रूरवाहवे सहस्तनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारणे नमः ब्रह्मणे नमः गन्धापान्तौ सुमङ्गलं चास्तु अक्षतापान्तौ आयुष्यमस्तु पुष्पाणि पान्तौ स्वास्त्रेयमास्तु दक्षिणापान्तौ भवदीयं चास्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने व्रतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णकन्हैयालाल की जय।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम सच्चिदानंद विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राधिकानायकं कृष्णचंद्रं भजे राधिकानायकं कृष्णचंद्रं भजे ॐ अज्ञानतिमिरांधस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः मधुराष्टकम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं Thank you.
తరణం మధురం హరణం మధురం రమణం మధురం మధురాధిపతిరఖిలం మధురం గుంజామధుర మాలా మధుర యమునా మధుర महाराज की प्रयाग धाम
గంగా మయ్యాకి యమునా మయ్యాకి సరస్వతి మయ్యాకి అక్షయ వటకి ఓం నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ ఓం నారాయణ శ్రీ నారాయణ 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 హరే జయ జయ శ్రీ రాధే జయ జయ శ్రీ రాధే జయ జయ శ్రీ రాధే ఓం శ్రీ గురువే నమః सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव जय श्री राम जय श्री कृष्ण। परम कृपालु परमात्मा आराध्य दैवत सद्गुरु भगवान गुरुदेव भगवान को स्मरण करता हुआ अनंत श्री विभू से श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज इनके पावन सानिध्य में इनकी पावन कृपा से और इनके आशीर्वाद से आयोजित यह शिविर कुंभ मेला प्रयागराज का शिविर और इन्हीं की कृपा से आयोजित यह कथा इस कथा में उपस्थित आप सभी का धन्यवाद करता हुआ जगत गुरुदेव को स्मरण करता हुआ उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय रामकिशन दास जी महाराज इनको प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी माताएं बहनें सभी वडिल और टीवी के माध्यम से इस कथा का लाभ ले रहे जो भी भाविक है आप सबका हृदय से अभिवादन करता हुआ आप सभी को प्रणाम करता हुआ श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत गोपी गीत कथा। वैसे श्रीमद् भागवत और गोपी गीत कोई अलग चर्चा नहीं है, कोई अलग कोई विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत का ही जो दशम स्कंद है, दशम स्कंद में जो रास पंचोध्याय है, उस रास पंचोध्याय में से एक है गोपी गीत, जिसके 19 श्लोक है। गोपियों का भाव हमारे महर्षि व्यास जी ने, भगवान वेद व्यास जी ने श्लोकबद्ध किए हैं। जब श्लोकबद्ध करने थे ये भाव, इस भाव को श्लोक में बद्ध करना था तो भगवान वेद व्यास जी को भी कठिनाई हुई थी, इतना गोपियों का भाव है। लेकिन जब इस गोपियों के भाव को भगवान वेद व्यास भी स्मरण करते हैं, जैसे कि मैं और आप यहां स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान वेद व्यास जी के हृदय को सुकून मिला है, महर्षि वेद व्यास जी के हृदय को शांति की अनुभूति हुई है।
आनंद की अनुभूति हुई है। और जब इस रास पंचोध्याय का स्मरण महर्षि भगवान वेदव्यास करते हैं तो उनको अनुभव हुआ कि बस मेरी जो थकावट थी वो सारी थकावट उतर गई है, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, शांत हूं। और बहुत ही एक आनंद की अनुभूति भगवान वेद व्यास जी को होती है जब वेद व्यास जी भी राधा महारानी का स्मरण करते हैं, गोपियों का स्मरण करते हैं, गोकुल का, वृंदावन का, उस ब्रजभूमि का स्मरण करते हैं। जब भगवान की लीलाओं का स्मरण भगवान वेद व्यास करते हैं, कोई साधारण नहीं है भगवान वेद व्यास। आज भी दुनिया भर में जो भी कथाएं चल रही है तो इस मंच को व्यास पीठ कहा जाता है। आज यहां बैठने के बाद कोई जनार्दन नहीं रह जाता, यहां बैठा हर महर्षि वेद व्यास बन जाता है। आज भी महर्षि व्यास जी की ये महिमा है कि इस पीठ को व्यास पीठ कहा जाता है, व्यास जी का स्मरण किया जाता है, ये व्यास जी की महिमा है, क्यों ना हो। व्यासो उच्चिष्ट जगत, ये मैं भी जो बोल रहा हूं ना, ये व्यास जी का उच्चिष्ट है, जो उन्होंने व्यास किया है। वेदों का जो चिंतन मैं भगवान वेद व्यास जी करते हैं, हमारे शास्त्र महापुराणों का जो वर्णन करते हैं, गजब है, अवर्णनीय है। तो वो व्यास भी, भगवान वेद व्यास भी इतने ज्ञानी और एक ऐसा जीवन वेद व्यास जी का रहा है जो एक विरक्त जीवन है, अलौकिक जीवन है। और जब ऐसे हमारे सभी ज्ञान के जो धनी है, ऐसे भगवान वेद व्यास भी जब ब्रज को याद करते हैं, उन गोपियों के भाव को याद करते हैं, तो वो कहते हैं अब मेरा हृदय शांत हुआ, अब मुझे सुकून मिला, अब मुझे शांति मिली, और ऐसा प्रेम अब बह रहा है कि क्या कहे। बताइए, ऐसे ज्ञान के जो धनी है भगवान वेद व्यास, ये चरित्र, ये गोपियों का भाव, ये भगवान का लीला चरित्र अगर उनके हृदय को भी नम कर देता है, हृदय में भी भाव भर देता है और उनके हृदय को भी शांति प्रदान होती है, तो हम तो साधारण हैं, कुछ तो है। गोपियों के इस भक्ति में, भाव में कुछ तो है, ऐसे ही महर्षि व्यास वर्णन नहीं करते। इसीलिए ये चरित्र बहुत ही हम सब के लिए, हृदय में भाव भरने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम हृदय में उमड़ने के लिए, निर्माण होने के लिए, हम गोपियों को सुने, हम गोपियों की सुने, हम गोपियों को याद करें, हम उन्होंने जो भक्ति की है उस भक्ति की चर्चा करें और उस भक्ति को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक उन गोपियों का स्मरण नहीं होता, वो गोपियों का भाव हृदय में प्रकट नहीं होता, मैं मानता हूं हमारे चित्त की जो विचलितता है वो रुकने वाली नहीं है। हमारे चित्त की जो वृत्ति है वो शांत होने वाली नहीं है। हम चौथे श्लोक का स्मरण कर रहे हैं, कल थोड़ी चर्चा चौथे श्लोक की हमने की थी, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। भगवान का ये जो चरित्र है, जो गोपियां वर्णन कर रही है, भगवान का जो स्वभाव है, वो देखिए हर श्लोक में भगवान की अलग अलग एक गुण का वर्णन गोपियां कर रही है, भगवान की क्षमता को प्रकट करती है, भगवान की महिमा को ये गोपियां प्रकट करती है। इनको भगवान में कोई कमी नहीं दिखती, इनको भगवान
में कमी नहीं देखती, न भगवान के किसी लीला चरित्र में कमी दिखती है। कभी कभी हमें जरूर कमी दिख पड़ती है भगवान की। जब भगवान में कमी दिखाई दे तो समझना ये दोष भगवान का नहीं, ये दोष हमारी सोच का है, हमारी नजर का है, जो हमें कमी दिखाई पड़ती है। ये गोपियां तो थकती नहीं है, ये गोपियां भी कोई साधारण नहीं, ये तो वेदों की रुचिया है। ये गोपियां पूर्व जन्म के ज्ञानी महापुरुष ऋषि है, ये कोई साधारण गोपी नहीं है, ये असाधारण है, इसीलिए तो उस रास में प्रवेश मिला है, रास का अनुभव इसीलिए तो हो रहा है। ये सबकी बात, ये सबके बस की बात नहीं होती। मंदिर जाए, मंदिर जाकर भगवान का भजन करे, सत्संग करे, भगवान के नाम की माला करे, अनुष्ठान, ये सबके बस की बात नहीं है। मैं आपको कह दूं, करो करो, आवाज खराब होगी मेरी अपनी, ऐसे तो कितने कथाकार निकाल दोगे आप, नहीं करोगे। मुझे भी पता है आप मेरे कहने से नहीं कर सकते, बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो भाव तो जगे, कि भगवान की कृपा हो जाए और आपको भी रास में जगह मिले। मैं तो एक बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, उस वो भाव को जगाने की कोशिश की, उसे जगाइए ताकि भगवान, भगवान की नजर हो जाए और भगवान की कृपा हो और आप उस रास में सम्मिलित हो जाए। मंदिर जाना रास है, सत्संग में बैठना रास है, अनुष्ठान रास है, यह तब होती है जब भगवान की कृपा होती है। यह सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए ये जो भाव ये है, ये चित्त को शांत करता है, भटकने से रोकता है, गोपियों का भाव। नहीं तो आप तो भाई भटकते भटकते ही रहोगे पूरा जीवन, कभी स्थिरता नहीं आ सकती। और जब तक स्थिरता नहीं है, जब तक ये भटकना मन का रुकता नहीं है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुखी नहीं बना सकती। हम सोचते हैं इसने मुझे दुख दिया, उसने ठेच पहुंचाई, उसने मेरा अपमान किया, मैं दुखी हुआ, किसी की ताकत नहीं है कोई आपको दुखी करे। दुखी जब बन जाते हो, जब दुखी हो जाते हो, तो समझना ये मेरे ही कर्मों का प्रताप है, ये मेरे मन का दिया हुआ दुख है। कोई हमें दुखी नहीं बनाता, हम दुखी बन जाते हैं खुद, हमारा स्वभाव, हमारी वृत्ति हमें दुख देती है। कौन ताकत थी राणा जी में मीराबाई को दुखी करे? नहीं ताकत थी हिरण्यकश्यप में प्रहलाद को दुखी करे, नहीं दुखी हुए प्रहलाद, नहीं मीराबाई दुखी बनी, नहीं नरसिंह मेहता दुखी बने, नहीं ध्रुव दुखी बना। कितने संतों का चरित्र आपको स्मरण है। ये दुनिया के किसी व्यवहार से दुखी बने ही नहीं, इतना अपमान हुआ किसी को तो गधे पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली, अपमान नहीं हुआ, फिर भी मेरे तुकाराम महाराज कहते हैं वाह भगवान आज कौन कृपा भई, आज मेरी ये शोभा यात्रा आप निकाल रहे हो। किसी संत को तो जूते का हार पहना दिया, उसमें भी सम्मान लगता है, किसी को गाली दी सम्मान लगता है, मेरे महाराज तुकाराम को गन्ने से मार दिया जाता है, पिटा जाता है, फिर भी वो कहते हैं जरूर आज मन में किसी की निंदा हुई होगी, मेरे भगवान उसका मुझे दंड दे रहे हैं। नहीं ये दुनिया के दुखों से संत कभी दुखी हुए ही नहीं है। बीच में मैंने याद किया था हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज को कितना दुख दिया है, चारों भाई बहन को कितना दुख दिया समाज ने, नहीं दुखी बने और वापस जगत के कल्याण की प्रार्थना करते हैं पसायदान के माध्यम से। कोई किसी की ताकत नहीं हमें दुखी बनाए, बस हमारी क्षमता तैयार हो, हमारा चित्त स्थिर हो, हमारा मन स्थिर हो, हम चित्त में शांति को प्राप्त कर ले, फिर कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं।
और जब कभी दुख महसूस हो तो समझना ये किसी का दिया हुआ नहीं, ये तो मेरा अपना निर्माण है। दुख हम स्वयं प्रकट करते हैं, इसीलिए चित्त की चित्त में शांति हो, मन स्थिर हो, क्योंकि ये मन का भटकना जो है वो आपको कभी शांत बैठने देगा ही नहीं। ये विचलितता कभी जीवन में जो शांति की प्राप्ति होनी चाहिए वो शांति कभी नहीं मिल सकती जब तक ये मन का चित्त का भटकना रुकता नहीं है। अस्थिरता आती ही तो इसीलिए है कि मन शांत नहीं है, मन सोचता बहुत है, मन भटकता बहुत है। एक जगह हमने मन को स्थिर करने की साधना की ही नहीं, इसलिए जीवन के सारे दुख है, इसीलिए दुख है। मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण है। इसीलिए हम ऐसी कथाएं सुने, हम ऐसी चर्चा सुने, ऐसे भगवान के भजन सुनते रहे, हम ऐसे भगवान के नाम का गुणगान करते रहे कि चित्त शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए। लेकिन चित्त को शुद्ध करने के लिए, स्थिर करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। वो सहजता से नहीं होता, बहुत कठिन है। मन चंचल है और मन की गति इतनी है कि अब यहां बैठे बैठे अमेरिका किसी को याद कर लो, एक सेकंड से पहले, एक पल से पहले मन पहुंच जाता है, इतनी गति है मन की। वैसे आसान तो नहीं है इस मन की गति को हम थोड़ा कम करें, इस मन को एक जगह स्थिर करें, आसान तो नहीं है। लेकिन यही तो कोशिश करनी है, और जो करेगा और जो जीतेगा इस मन को स्थिर करने में, जो जश को प्राप्त करेगा, जो सफल होगा, बस वो बिरला कहलाता है। उसकी तार जुड़ती है भगवान से। इसीलिए हम स्थिर हो जाए, मन को स्थिर करें। और मैं मानता हूं इसीलिए इस के लिए जरूरी है कि हम कथा सुने, हम अनुष्ठान करें, हम साधना करते रहे। वही एक रास्ता है साधना का कि हमारा मन स्थिर हो जाए। इसीलिए ये गोपी गीत की कथा है, मैं कहे इसलिए रहा था। चर्चा थोड़ी लंबी है, एक दृष्टांत दे दूं फिर आगे प्रवेश करूं। कि एक दिन कुछ लोग निकल पड़े कि हमें यात्राओं में जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है। तो एक संत के पास गए और संत को कहा कि चलिए हमारे साथ, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हैं। तो संत जी अपनी अपनी साधना में थे, कहा कि भाई तीर्थ यात्रा करने का अब तो कोई मन है नहीं, अब थोड़ा अनुष्ठान में मन लगा है, तो आप कर आइए। बोले ऐसे कैसे संत हो, तीर्थ यात्रा में नहीं आते, आना चाहिए। बातें सुनाने लगे। बातें सुनने पर संत जी प्रेम से कहते हैं, आपकी बात हमें स्वीकार है, हम माफी मांगते हैं आपसे, क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम नहीं आ सकते। एक काम करिए, उनके घर में कद्दू पड़ा था, कद्दू जानते ना, वो पेठा बोलते, पेठा, और मराठी में गंगा फल बोलते। तो पेठा पड़ा था, तो बोले ये आप ले जाओ, ये पेठा अलग कद्दू अलग, ये पेठा नहीं, कद्दू जो थोड़ा बड़ा होता है, ये पेठा से बड़ा होता है थोड़ा कद्दू। तो बोले ये जो कद्दू घर में पड़ा है वो आप ले जाइए, मेरे बदले इसे ले जाओ। अब आप आ ही गए हो मेरे घर, मुझे आग्रह कर रहे हो, तो आपको मेरा काम करना पड़ेगा,
हम क्षमा चाहते, हम खुद नहीं आ सकते, लेकिन ये कद्दू ले जाओ और कद्दू ले जाके जिस तीर्थ में जाओगे, गंगा जी में जाओगे तो गंगा जी में इसे स्नान कराना, यमुना जी में स्नान कराना, त्रिवेणी संगम पर स्नान कराना मेरे इस कद्दू को। और जैसे आप बट वृक्ष के दर्शन करने जाओगे वहां भी थोड़ा स्पर्श कराना, जहां जिस भगवान के दर्शन करने जाओगे वहां भी थोड़ा स्पर्श कराना, जहां कहीं जाओगे आप अयोध्या गए तो भगवान राम के दर्शन कराना, जहां जहां आप जाओगे, आप काशी जाओगे तो बाबा जी के दर्शन करा के लाना, स्पर्श कराना। ये कद्दू ले जाओ, मैं नहीं आ सकता। अब संतों की बात सुननी थी तो जो तीर्थ यात्री थे वो तीर्थ यात्री कद्दू को लेकर निकल पड़े। अब जैसे जिस नदी में जाते उसे स्नान कराते, गंगा जी में गए स्नान कराया, भगवान के मंदिर जाते भगवान का चरण स्पर्श कराया, तीर्थ यात्रा कराई अपने साथ कद्दू को भी। और जैसे गांव वापस लौटे संत को अपना कद्दू वापस दे दिया, बोले ये लीजिए आपका कद्दू, सारे तीर्थों में स्नान कराया और दर्शन भी कराया। बोले आप तीर्थ यात्री हो और हम तो तीर्थ यात्रा में नहीं जा पाए, एक काम करिए आज शाम को मेरे घर ही प्रसाद पाने के लिए आ जाइए, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। तीर्थ यात्रियों को भोजन कराने से थोड़ा बहुत तो फल हमें भी मिल जाएगा, आशीर्वाद थोड़ा बहुत हमें भी मिल जाएगा। अब जो नहीं आए उनको लगता है कि ये तीर्थ यात्रा में गए हुए कुछ अच्छे काम के लिए गए होंगे, उनको ये नहीं पता ये पानी पूरी खाते फिर रहा था, ये तो जीभ के चौसले पूर्ण करने के लिए भटक रहा था, ये थोड़ी पता होता है। जो नहीं आए उनका तो बेचारा अपना भाव होता है। कई लोग तो तीर्थ यात्राओं में जाने के बाद भी नहीं पहुंचते और कोई न आने से भी पहुंच जाते हैं, रासलीला में इसका उदाहरण भी है। कई सासू अपने बहू को जाने से रोक देते थी, बांध देती थी, जाना नहीं है रास में, खबरदार तू रास में जाएगी, बांध देती थी, नहीं जाने देती। लेकिन सबसे पहले तो जिसे बांधा है ना रास में वो सबको दिखाई देती थी, यहां बंधा हुआ शरीर है लेकिन पूरा पूरा मन से वो वहां पहुंच जाती थी, भगवान उसे बुला लेते थे। और सासू को लगता था आज मैंने जाने ही नहीं दिया, आज बांधे रखा इसको, सासू को पता ही नहीं है ये भाव क्या होता है। घर में बंधी हुई भी वहां पहुंच जाती थी, वैसे कई बार होता है, कई लोग घर में ही इतना मन से याद करते हैं कि तीर्थ यात्राओं में जाने का फल मिल जाता है, कई लोग जाने के बाद भी प्यासे रह जाते हैं। ये मन का भाव है, ये श्रद्धा का विषय है। तो बोले आज शाम को मेरे घर आप आ जाइए भोजन करने। शाम को सबके सब वहां भोजन करने आए, सबको वहां पर बिठाया जैसे अपने यहां पंगत बैठती है। अब ये 40 दिनों तक ये इतना भंडारा चलाना, भोजनालय चलाना, इसके लिए लकड़ी इकट्ठा करना, कितनी लकड़ी लगती है इसका हिसाब जब मैं फ्री रहूंगा तो मुझे बताना, मैं भी पूछने जाऊंगा जगत गुरु जी को, मुझे भी नहीं पता कितनी लकड़ी लगती है, कहाँ से लाई होगी, बनाने वाला महाराज कहाँ से लाया, कितना उसको काम कराना पड़ता है, और कहाँ से सब्जी मिलती है, कैसे लानी पड़ती है, कितना दूर जाना पड़ता है, कितनी कसौटी है, कितनी मेहनत है लाने में बनाने में। जगत गुरु जी तो क्रोधित हो गए 2-3 बार कि एक ही सब्जी 1-2 दिन मत चलाना, सब्जी बदलते रहना, सबको अच्छा स्वाद मिले, सबको खूब आनंद मिले, सबको अच्छा पेट भर के भोजन मिले, ये उनकी कोशिश होती है।
लेकिन कार्यकर्ता की भी मजबूरी होती है कि जैसे इतने करोड़ों लोग अगर कुंभ मेला में हैं तो अलग अलग सब्जियों का मिलना कठिन बन जाता है। इसीलिए फिर भी कुंभ में इतना ये सारा भंडारा चलाना ये तो मैं मानता हूँ कि जगतगुरु जी ही ये कर पाए, वही जानते हैं कि ये कितना कठिन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब लकड़ी आ रही थी तो जगतगुरु स्वयं वहां खड़े होकर, जो गाड़ी आई थी तो खाली करा रहे थे, कौन सी लकड़ी जलाने की है, कहाँ डालनी है, कैसी व्यवस्था करानी है, वो कैसे कराना है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हम भी तो बहुत देरी से आए थे, लेकिन कोई भी जगतगुरु ऐसे ही नहीं बनते। और हमारी जगतगुरु की विशेषता ये रही है, जगह हम मिली तब से लेकर जगतगुरु जी कैसे भक्त आएंगे, कहाँ उनको रखना है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके पीछे लगे पड़े हैं आज तक। और हम समय पर आकर कहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है समय पर आकर, हम ऑर्डर करते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं, हम इच्छा रखते हैं। जैसे हम यहाँ सेवा भाव से नहीं, हम तो यहाँ पर उपकार करने आए हुए हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं। लेकिन इन बातों को समझना उतना ही जरूरी है जितनी सत्संग की बातों को सुनना, भगवान की कथा को सुनना। आज भी दिन रात सारे भक्तों की कैसे कुंभ मेले में जगह मिलना और जगह मिलने के बाद ये आयोजन कितना कठिन होता है, ये तो जगत गुरु ही जाने, उनके साथ जुड़े सभी जो कार्यकर्ता है वो जानते हैं कितने परिश्रम होते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हम तो यहाँ 4 घंटे बैठकर थक जाते हैं, 4 घंटे हो गए। जगत गुरु जी की ड्यूटी सुबह 2 बजे से चालू होती है, रात्रि में 11-12 बजे तक, पूरा दिन मेरे सामने जगत गुरु का जीवन है। हमें लगती होगी कि उनकी वाणी में वाणी से कई बार लगता है कि क्रोध है, लेकिन मैं जानता हूं उनके हृदय को, उनकी सोच को, उनके स्वभाव को मैंने नजदीक से जाना है कि वो अगर योग्यता है तो वो उठाते हैं, और कोई भूल कर रहा है तो उसे दबाते भी है, उसे रोकते भी है, और ये उनका अधिकार है। वो हमारे बगैर जरूरी लाड करके हमें बिगाड़ना नहीं चाहते, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। कई बार डांट तो हमें भी पड़ती है, मुझे खुद, जब मेरे से कोई भूल हो जाए, हम उसको स्वीकार करते हैं, और मैंने स्वीकार किया इसलिए बहुत सुधार भी मेरे अपने जीवन में आया है, बहुत कुछ सीखने भी मिला है। तो ये ऐसे ही बातें नहीं होती, ऑर्डर करना और सूचन देना, सलाह देना बहुत आसान है, और धरातल पर काम करना बहुत कठिन बनता है। इसीलिए हम जहां जाए वहां सेवा भाव से जाए, हम समर्पण भाव से जाए, हम वहां के लिए पूरक बने। ये आज की नहीं, पूरे जीवन की मैं चर्चा कर रहा हूं। हम जहां भी जाए हम पूरक बने, हम उपयोगी बने। योगी नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, उपयोगी तो बने। जहां जाए वहां उपयोगी बने, हम वहां बोझ नहीं बने, हम वहां बोझ नहीं बने, हम उपयोगी बने। कहां मेरा उपयोग हो सकता है मैं वो करूं। इसीलिए तो राम कथा है, इसीलिए राम कथा में राम सेतु की कथा है, और राम सेतु की कथा में गिलहरी का दृष्टांत है, इसीलिए तो है। और ये बात जान जाते हो, समझते हो, तो गिलहरी तो वो एक ही थी जिसके पीठ पर मेरे प्रभु राम ने अपनी उंगलियां फेरी थी, हाथ घुमाया था, आशीर्वाद दिया था, वो तो एक ही थी जिसने मदद की थी, सेवा दी थी। लेकिन आज भी ये बात उस युग की है, त्रेता युग की, लेकिन आज कलयुग में भी, आज के दिन भी जो गिलहरी जन्म लेती है
वो भी भगवान के उंगलियों के निशान लेकर जन्म लेती है। जब प्रभु की कृपा हो जाए और ऐसे सेवा के धर्म को हम समझ ले, हम उपयोगी बन जाए, हम कोऑपरेटिव बन जाए, तो भगवान बस अपना नहीं अपने जाति का उद्धार कर देते हैं, उस गिलिहरी की जात का उद्धार भगवान कर देते हैं। ये सेवा का परिणाम है। जब पांडवों ने याग का आयोजन किया तो सभाएं चल रही थी और सब बैठे थे, समितियां बन रही थी, कौन कौन समिति में काम करेगा। तो भगवान ने कहा कि भाई सेवा की समिति में तो मैं भी रहूंगा। पांडव कहने लगे, अरे भगवान आप कैसे सेवा करोगे, आप तो हमारे आराध्य हैं और आप सेवा कैसे करोगे। बोले सेवा नहीं मिलेगी तो मैं रहूंगा ही नहीं। बोले ठीक है, अब मंजूर हो गए, सेवा करिए, मेरी इच्छा से सेवा करूंगा, जो सेवा चाहिए वो दोगे तो रुकूंगा रहूंगा, नहीं तो आप जाने आपका यज्ञ जाने। बोले ठीक है भगवान, कौन सी सेवा करोगे। तो भगवान ने कहा यह ज्ञान दान भी होगा, ज्ञान का भी दान होगा, हवन यज्ञ भी चलेगा, यहां पर अन्नदान भी तो होगा। बोले हाँ, कोई भूखा जाएगा नहीं, सबको रोटी मिलेगी। तो बोले यहां पंगत होगी ना, तो वहां पंगत होने के बाद, भोजन होने के बाद जो झूठे पत्तल है वो झूठे पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। पांडव मना करते हैं, भगवान वो काम आप कैसे करोगे। भगवान ने कहा नहीं करने देना है तो चला मैं, नहीं माने भगवान और वो झूठे पत्तल उठाने का काम मेरे भगवान करते हैं। हम सुनते हैं बस, अब मेरी बात आपने सुनी, आपको लगा होगा वाह भगवान क्या बात है, बस इतनी सी बात समझते हुए हम बात को भूल जाते हैं। ये बात इसलिए नहीं कही जाती कि आप बोलो क्या बात है, ये बातें इसलिए नहीं कही जाती कि आप भगवान की जय जयकार करें, ये बातें इसलिए कही जाती है कि मैं कब बनूंगा ऐसे, मैं भी तो जीवन में उतारू, मैं भी तो उपयोगी बनू, मैं उपयुक्त बनू, न कि बस जय जयकार करता रहू, न कि माला करता रहू। मेरे भगवान जिसको जरूरत पड़ती है भाग खड़े हो जाते हैं, किसी और को नहीं भेजते। सुदाम जी आए थे तो सेवक को नहीं भेजा जा लेकर आ, नंगे पैर मेरे भगवान दौड़ते जाते हैं और सुदाम जी को लेकर अपने आसन पर विराजमान कराते हैं। ये भगवान है, हमें हमें इन चरित्रों से सीख लेनी है और गोपी बनना है। ये राधा, ये गोपियां इसीलिए तो इतनी ऊंची हस्ती बनी है, इसी स्वभाव से बनी है। इन्होंने बस कृष्ण नहीं कहा, इन्होंने तो अपने कृष्ण के चरित्र को जीवन में उतारा है, इसलिए ये पवित्र कहलाई है, इसलिए निष्कलंक। और इनके चरित्र को स्मरण करना भाग्य की बात बोली जाती है। हम उपयोगी बने, बोझ ना बने। तो जो तीर्थ यात्रा में गए थे कद्दू लेकर, महाराज जी कहते हैं आपने हमारी बात को रखा, तो आप तीर्थ यात्रा में जाकर आए तो आज शाम को आइए, हम आपका पूजन कराएंगे, वस्त्रदान करेंगे, यथा योग्य दान दक्षिणा आपको देंगे और प्रणाम करेंगे आपका और भोजन कराएंगे। आप तीर्थ यात्रा करके आए, इतना भाव है इस भारत भूमि पर, इतनी श्रद्धा है कि तीर्थ यात्रों तीर्थों का महिमा तो है ही है, लेकिन जो तीर्थों में जाकर वापस आ जाए उसे भी प्रणाम करते हैं। जी आप बद्रीनाथ गए थे, आप केदार जी के दर्शन कराए, हम आपका प्रणाम करते हैं, ये भारत भूमि की महिमा है। आप अभी यहां से भी प्रयाग से जाओगे ना, कई लोग आपको मिलेंगे, प्रणाम करेंगे, आप तीर्थों में जाकर आए, प्रयाग में जाकर आए, ये श्रद्धा है।
तो शाम को आइए, सारे संत जो तीर्थ यात्रा में गए थे वो आए भोजन करने, थाली पर बैठे, भोजन दिया गया, कुछ वस्त्रदान भी हुआ, पूजन भी हुआ, फुलहार पहनाया गया, यथा योग्य दक्षिणा भी दी, क्योंकि संतों को जब भोजन कराते हैं तो दक्षिणा के बगैर भोजन नहीं कराते, दक्षिणा भी रखी। और महाराज जी कहते हैं आप करो हरिहर, भोजन पाइए। संतों ने ब्रह्मार्पण किया और भोजन करने लगे। जैसे भोजन करने लगे, जो सब्जी मुंह में डाली थूकने लगे, इतनी कड़वी सब्जी थी, तो सब परेशान हो गए, इतनी कड़वी सब्जी। महाराज जी पूछने आए, क्यों क्या हुआ? बोले भोजन कराने बुलाया और ये सब्जी है कौन सी? बोले तो कद्दू की सब्जी है। बोले इतनी कड़वी? बोले कड़वी लग रही है। बोले जी, बोले ये कद्दू तो वैसे कड़वा ही था, उसकी सुगंध ही कड़वी आ रही थी, मैं समझ चुका था ये कड़वा है। बोले फिर आपको अगर पता था कि ये कड़वाहट इसमें है तो उसकी सब्जी क्यों बनवाई आपने? महाराज जी कहते हैं ये कड़वा तो था ही, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा था अब तीर्थों में स्नान आप करा लाए, आप भगवान के चरणों का स्पर्श कराए, अब तीर्थों की यात्रा होने से ये जो कड़वा कद्दू है वो मीठा बन गया होगा, मैं ये सोच रहा था, लेकिन अब पता चला कि ये तीर्थों में जाने के बाद भी कड़वा ही रहा। कोई परिणाम इसके ऊपर नहीं हुआ। ताली बजा के छूट मत जाना। आप ताली बजा के मुझे जरूर खुश कर सकते हो। वाह क्या बात कही महाराज ने। हम ये कह के, हम वैसे तो मैंने अनुभव किया कथाओं में लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल होता है ना, ये कीक मारेगा फुटबॉल उधर, वो उसके पास, मतलब कोई बात कही तो लोग ऐसा सोचते मुझे थोड़ी ना इसे कही, कोई बुरी बात हमने यहां से कही मुझे थोड़ी इसे कही। फुटबॉल खेलते हैं हम सोचते हैं मैं हम मेरे जब कड़वी बात होती है तो हम समझते हैं मेरे लिए तो है ही नहीं है, तो पड़ोस में बैठा इसके लिए है। सत्संग में बैठने के बाद हर बात अपने लिए होती है, न कि पड़ोसी के लिए। और आप पड़ोसी के लिए थोड़ी ना आए हो कथा सुनने, आप तो अपने लिए आए हो, निर्माण तो अपना करना है ना पड़ोस में बैठने वाले का, इसलिए पड़ोसी को भूल जाइए और बस आप यहां विराजमान होइए और कथा सुनिए। हर एक शब्द जो मंच से आएगा, व्यास से के श्रीमुख से जो आएगा, वो अपने लिए होता है, मेरे लिए होता है। ये सत्संग तो एक आईना होता है, देखिए अपने अपने चेहरे को, इसमें कोई दाग तो लगा नहीं है। इसलिए तीर्थों में जाने के बाद भी, तीर्थ यात्रा करने के बाद भी, इतना घूमने के बाद अगर वो कड़वाहट नहीं निकलती हमारे स्वभाव से, तो फिर भाई जाने का कारण क्या है?